खबर गुना से, जहां जिले से लगे हुए फुलवारी कॉलोनी के पीछे बालाजी स्टेट के रहवासियों की न जनसुनवाई में कोई सुनवाई हुई और न ही विद्युत मंडल के ऑफिस में और एमपीईवी के कर्मचारियों द्वारा आज बालाजी स्टेट के विद्युत लाइन काटने पहुंच गए। जब इस संबंध में वहां के रहवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम जनसुनवाई और विद्युत ऑफिस में मीटर कनेक्शन के लिए आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। एमपीई वाले हमसे आकर पैसे मांगते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं तो लाइट जोड़ देते हैं और फिर 10 से 15 दिन बाद लाइट काटने आ जाते हैं। जब इस संबंध में एमपीईवी में पदस्थ एई प्रशांत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम विद्युत कनेक्शन देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर अस्थाई कनेक्शन ही दे पाएंगे, क्योंकि अभी प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों में स्थायी कनेक्शन देने के लिए परमिशन नहीं दी है। विद्युत मंडल द्वारा लगातार असमय बिजली कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है, पर इस समस्या पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया है। इस भीषण गर्मी में रात रात भर बिजली गुल रहने से दिन भर मेहनत मजदूरी करने वालों की आंखों में नींद साफ देखने को मिल सकती है। क्या नाम है आपका? सुरबाला श्रीवास्तव। किस जगह रहते हैं आप? यही इसी कॉलोनी बालाजी नगर। क्या समस्या हो रही है आपको? हमारे यहाँ पे लाइट वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी फाइलें जमा हैं, हमारी रसीदें कटी हुई हैं, फिर भी हम लोग इनसे बोल रहे हैं कि आप हमको मीटर दे दीजिए, तो हमसे कहते हैं कि आपकी कॉलोनी अवैध है और इसमें मीटर नहीं, आप टेम्परेरी मीटर लो। टेम्परेरी मीटर का क्या मतलब निकलता? हमारा घर तो टेम्परेरी नहीं है, और हमेशा हमसे लोगों से पैसा ले जाते हैं ये लोग, और जब पैसा ले जाते हैं तो 10-15 दिन निकल जाते हैं, कभी 200, कभी 300, कभी 500। आप 500 की मांग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ तक भरें? हम लोग गरीब है भैया, नहीं तो काय को इसमें इधर आउट में आके मकान बनाते हैं। हम लोग भी सिटी में जाके मकान में रहते हैं ना, हम लोग परेशान, और मात्र यहाँ 5 घर हैं और इसके बाद बन रहे हैं मकान वगैरह भी बने नहीं हैं, मात्र 5 लोग हैं, रोज़ हर तीसरे रोज आके, कल से तो बहुत ही परेशान कर रखा है इन लोगों ने। और आप शब्द बोलते हैं, बोल दो तो अंडसंड बोलते हैं हम लोग को। हमारे घर में कोई जेंट्स रहता नहीं है, लेडीज़ों को आके परेशान करते हैं, जब जेंट्स सब बाहर निकल जाते हैं सुबह। इस संबंध में कहीं और भी शिकायत की है? सब दूर जगह शिकायत की है हमने, बिजली ऑफिस में भी शिकायत करी है और उधर कलेक्टर के उधर भी आदेश, वहाँ पे भी गए थे हम लोग।